हेलो माय गाइस, वेलकम टू माय कृष्णा स्टूडियो चैनल। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है कृष्णा स्टूडियो चैनल पर। और आज हम अपने स्टूडियो में आप लोगों को डाविंची रिजॉल्व के कलर टाइप में टेक्स्ट बिहाइंड वीडियो इफेक्ट क्रिएट करना बताएंगे। कैसे आप लोग टेक्स्ट के पीछे वीडियो वाली इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि इस समय हमारे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके का आप लोग इफेक्ट डाविंची रिजॉल्व के कलर टाइप में कैसे क्रिएट कर सकते हैं मास्किंग के साथ, आज की वीडियो में हम आप लोग यही बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम अपने टाइमलाइन पर एक पिक्चर को इम्पोर्ट कराए हुए हैं और इसी पिक्चर पे टेक्स्ट बिहाइंड पिक्चर इफेक्ट क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे और अपने CTI को यहाँ पे लेकर आएंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद फिर से हमको ये जो हमारी पिक्चर है इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब सिलेक्ट करने के बाद हमको इसकी मास्किंग करनी है। तो हम जाएंगे यहाँ पे कलर टाइप में। कलर टाइप में जाने के बाद ये हमारा नोट्स है, देखेंगे यहाँ पे नोट्स, और ये है टूल बार। तो ये हमारा विंडोज है, इसको सिलेक्ट करना है विंडोज को। और यहाँ से ये जो पेन टूल, हमको पेन टूल लेना है। अब पेन टूल लेने के बाद आपको इसको जूम करके धीरे धीरे बढ़िया तरीके से आपको मास्किंग करना होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट करूँगा, आप लोग अच्छे तरीके से मास्किंग कीजिएगा। तो हम इस तरीके से इसकी मास्किंग कर लेंगे। आप जूम करके जितना ही करेंगे आपकी मास्किंग नहीं अच्छी होगी। तो हम इसको इस तरीके से मास्किंग कर लेते हैं। मास्किंग करने के बाद फिर से आते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे ये जो माउंटेन है हम इसको मास्किंग कर लिया। मास्किंग करने के बाद अब ये जो ऊपर वाला एरिया है हमको रिमूव करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नोट्स में ऊपर जो एरिया है ब्राउन हो गया है, जो हमने ये मतलब कि इसको रिमूव करना है, इसी को जो ब्राउन हुआ है। तो हमको राइट क्लिक करना है यहाँ पे और एड अल्फा आउटपुट करेंगे। तो एड अल्फा आउटपुट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो एड अल्फा आउटपुट हम क्रिएट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक ब्लू आउटपुट आ गया। और ये ब्लू जो आउटपुट है ये अल्फा आउटपुट है, तो हमको इसको अटैच कराना है इस वाले आउटपुट से। तो देखेंगे जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव होने के बाद इसमें थोड़ा सा आप सॉफ्टनेस देना है हमको। तो यहाँ पे देखेंगे आप सॉफ्टनेस है, तो इसको हम 0.12 के आसपास कर लेंगे, ज़्यादा नहीं देंगे हम। अब इसके बाद हम आएंगे अपने एडिट टैब में। एडिट टैब में आने के बाद देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, पीछे का आकाश जो है। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा अभी एजेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप अपने अनुसार इसमें सॉफ्टनेस दे सकते हैं। हम इसको बाद में भी दे सकते हैं। तो ये जो हमारी टाइमलाइन है वीडियो वन टाइमलाइन, अब हमको यहाँ पे दो टाइमलाइन और क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एड ट्रैक और फिर से राइट क्लिक एड ट्रैक। तो देखेंगे यहाँ पे तीन ट्रैक हम यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब इसके बाद ये जो हमारी जिसको हमने मास्किंग किया हुआ है इसको सबसे टॉप पे लेके जाना है, यानी कि वीडियो 3 पे। तो हम इसको पकड़ कर लेके जाएंगे यहाँ पे, और ये जो है हमने जिस कॉपी बनाया हुआ है इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके इसके नीचे लेकर आ जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में हमको टेक्स्ट लिखना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट्स में और ये टाइटल्स पे सेलेक्ट करो। ये है बेसिक टाइटल, हमको इसकी को लेना। आप इसमें से चाहे तो जो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फिलहाल। और इसको हम ड्रैग करके इसके नीचे लेकर आएंगे। नीचे लेकर आने के बाद इसको हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे तरीके से, जिससे कि हमें ये जो पिक्चर टाइमलाइन इसके बराबर कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से इफेक्ट्स को बंद कर देंगे। अब हम ये जो टेक्स्ट टाइमलाइन है इसमें हमको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमको जो भी आपको टाइप करना हो टाइप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ स्टूडियो टाइप करेंगे। अब देखिए जो हमारा टेक्स्ट है इसको एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे इंस्पेक्टर की में और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। और बाद में भी आप अपने अनुसार इसको बाद में कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से पोजीशन को चेंज करके देख लेता हूँ कितना जूम हुआ है टेक्स्ट हमारा। तो इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। अब इसको नीचे लेकर आ जाएंगे। अब इसको हमको एनिमेशन करना है। तो हम यहाँ पर ये जो टेक्स्ट वाली टाइमलाइन है इसी को पोजीशन इसको हमको चेंज करना है। तो ये देखिए पोजीशन यहाँ से हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे जितना पाने को हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है शो हो जाए। तो इसको हम यहाँ से पोजीशन को चेंज करेंगे, आप यहाँ इस तरीके से शो कर लेंगे। इसको हम छोटा कर लेते हैं और विंडोज को, तो आपको जितना मतलब कि ऊपर ले जाना हो इतना पे सेट कर लेंगे। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करके देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है नीचे से आ रहा है, लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट हमारा ये माउंटेन के पीछे से आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से अब छोटा कर लेते हैं और इतना कर लेंगे। अब इसको हम प्ले करके फिर से दोबारा देखते हैं और ये लुक ऑन कर लेंगे। तो ये इफेक्ट आप लोग डाविंची रिजॉल्व में मास्किंग के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।